फिजिकल रिलेशनशिप में सीधी बात करना जरूरी है, इसके बारे में मैं आज बातचीत करूंगा। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर, मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूँ। महाराष्ट्र में अकोला में पिछले 37 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। क्या होता है कि हमारे कल्चर में लेडीज़ सीधी बात नहीं करती है, वो खुश नहीं होती है, समाधान उनको नहीं होता है, ऑर्गेजम नहीं होता है उनको, सेक्स की चरम सीमा पर वो जाती नहीं है, अत्युच्च सीमा जो है आनंद का अत्युच्च क्षण है उस पर जाती नहीं है। आदमी का जल्दी हो जाता है तो वैसे ही वो तड़फड़ती रहती है, कुछ बात नहीं करेगी, चुपचाप रहेंगी और फिर धीरे धीरे उसका इंटरेस्ट निकल जाता है। कभी कभी कुछ लेडीज़ बोलती है कि मैं तो भी शुरू भी नहीं हुई, आप तो ख़त्म भी हो गए, मगर ऐसा बोल के फ़ायदा नहीं, उसको समझा कि नहीं समझा मालूम नहीं। आपने क्या करना है, लेडीज़ को बता रहा हूँ मैं स्पेशली, ये फिर से करो, लेडीज़ को बता रहा हूँ मैं स्पेशली कि आपने कम्युनिकेट करना ज़रूरी है कि आपको कैसा लगा, क्या आपको ऑर्गेजम हुआ, चरम सुख आपको मिला। ऑर्गेजम मतलब अंतिम जो सुख है एकदम, जिसका आप वर्णन नहीं कर सकते, एक्सटेसी बोलते हैं, क्या वो आपको मिला? और वो नहीं मिला तो फिर वो ही बोलो, मिला है तो वो बोलो। सेक्स होने के बाद में आपने ये बोलना चाहिए कि आपको फोरप्ले में क्या अच्छा लगा, फोरप्ले में क्या क्लाइटोरिस स्टिमुलेशन अच्छा लगा, जब क्लाइटोरिस को स्टिमुलेशन करते हैं तो क्या ये वजाइनल फिंगरिंग किया वो अच्छा लगा, या ब्रेस्ट को या शोल्डर्स को या बटेक्स को टच किया तो वो अच्छा लगा। मतलब आपने जो भी है वो बोलना चाहिए कि भाई आपको अच्छा क्या लगा फोरप्ले में, या आफ्टर प्ले क्या हुआ तो उसमें अच्छा क्या लगा। देखो, बोलने के सिवाय कुछ होने वाला है नहीं, मगर हमारे कल्चर में स्त्री बोलती नहीं है, बात नहीं करेगी, सीधी बात नहीं करेगी और फिर चुपचाप ऐसी पड़े रहेगी, कुछ करेगी नहीं और फिर इंटरेस्ट बताएगी नहीं। आदमी को ये समझता नहीं कि भाई उसको हुआ क्या, इसको इंटरेस्ट क्यों नहीं है। हमारे देश में, हमारे कल्चर में काफ़ी सारे लोग यही बताते रहते हैं कि हमारे पत्नी को सेक्स में इंटरेस्ट नहीं है। अब वो जानते नहीं कि इंटरेस्ट क्यों नहीं है। एक तो इंटरेस्ट नहीं, उसका कारण वो है कि वो एंजॉय नहीं करती है, या फिर उसके दिमाग के ऊपर टेंशन, प्रेशर, घरेलू बहुत काम, थकान वगैरह, मतलब वो काफ़ी सारी चीज़ें रहती कि उसको इंटरेस्ट ही नहीं आता रात को। और फिर पति यदि शराब पीता है, स्मोकिंग करता है तो उसका बास आता है, तो फिर उसको वैसा भी इंटरेस्ट नहीं आता है, सेक्स में भी इंटरेस्ट नहीं, वैसा भी बास आ रहा है, कुछ प्यार नहीं है। स्पेशली शादी होने के 8-10 साल बाद में तो बिल्कुल ही प्यार रहता ही नहीं है। फिर क्या है, एक ड्यूटी करके सेक्स करना है और ऐसे इसमें यदि इंटरेस्ट नहीं रहा, समाधान नहीं मिला, तो बिल्कुल ही वो घृणा निर्माण होने तक जाता है। तो मेरा सभी महिलाओं को ये कहना है कि आपको कौन से बातों में, कौन सी एक्टिविटी में मज़ा आती है, वो कितनी मज़ा आती है, वो कम्युनिकेट करो। आप कम्युनिकेट करेंगे तो अच्छा होंगे। एक तो बोल के करो, और आप बोल के करते नहीं है, लिख के करो, लिखो एक कागज़ पेन लेके, आप बोल सकते नहीं तो व्हाट्सएप करो, टेक्स्ट मैसेज करो, जो मर्जी करना चाहे करो, मगर कम्युनिकेट करो कि आपको कौन सा सेक्स पसंद आया, कौन सी पोजीशन पसंद आई, कहाँ टच किया तो अच्छा लगा, कहाँ कहाँ आपको एक्साइटमेंट ज़्यादा लगा। तो ये आप कम्युनिकेट करते हैं तो आपका पार्टनर आपको सेटिस्फाई कर सकेगा। सो द लेसन इज कम्युनिकेट, कम्युनिकेट और कम्युनिकेट। थैंक यू। सेक्स समस्याओं के बारे में मेरे काफ़ी सारे वीडियोस हैं, उसका हमने एक ऑनलाइन वीडियो रिकॉर्डिंग करके वर्कशॉप, एक कोर्स बनाया हुआ है। वो कोर्स जो है ऑनलाइन कोर्स, उसमें करीब करीब 60 वीडियोस हैं और उसमें हिप्नोटिज्म की भी है कि हिप्नोटिज्म के माध्यम से नपुंसकत्व, शीघ्र पतन ये कैसे ठीक करना, और काफ़ी सारी सेक्स समस्याओं के बारे में जानकारी दी हुई है। वो समस्याओं की जानकारी से आपकी सभी सेक्स समस्याओं का समाधान हो सकता है। तो ये आप ऑनलाइन रिकॉर्डिंग कोर्स जो है, तो ये ऑनलाइन रिकॉर्डेड कोर्स आप हमारे ऐप से ले सकते हैं, उसका डिस्क्रिप्शन नीचे दिया हुआ है, लिंक दी हुई है ऐप की। और वैसे ही आप टेलीग्राम ग्रुप से आप यदि जुड़ जाते हैं, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाते हैं, या आप वेबसाइट से, तो आपको ये ऑनलाइन कोर्स के बारे में जानकारी हो जाएगी। ये ऑनलाइन कोर्स करके आपके सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। आप नीचे जो नंबर दिए उसके ऊपर भी कॉल करके वो ऑनलाइन कोर्स खरीद सकते हैं। इंस्टामोजू की भी लिंक दी हुई है, उसमें आप डायरेक्ट पेमेंट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।